नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की धर्मशाला से राज्य स्तरीय नारी को नमन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला यात्रियों को बस किराए में 50% रियायत देने की शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मौजूदा न्यूनतम किराया 7 रूपए से घटाकर 5 रूपए करने और राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की रियायत की शुरुआत की। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मौजूदा न्यूनतम किराया 7 रूपए से घटाकर 5 रूपए करने और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रेणियों के 265 पद भरने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को 50% रियायत प्रदान करने वाले नारी को नमन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बस किराए में दी जाने वाली यह छूट महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार के संकल्प की दिशा में की गई सकारात्मक पहल है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगी और प्रदेश में महिलाओं की प्रगति को और गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन लगभग 1,25,000 महिलाएं यात्रा करती है और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार लगभग 60 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी गति प्रदान करेगी, क्योंकि प्रतिदिन बसों में यात्रा करने वाली विद्यालय और महाविद्यालय की छात्राएं भी इससे लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं हमारी कुल आबादी का 50% है और महिलाओं के समग्र विकास और उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित की है, लेकिन एक काम हमको और करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अब आना जाना बाहर भीतर घर के काम से हट करके, बाजार का काम घर के काम से हट करके, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का काम, एक नहीं अनेक जगह उनको कामकाज में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आने जाने के लिए और बेहतर तरीका क्या निकाला जा सकता है, और उस पर हमने विचार करने के बाद निर्णय किया कि महिलाओं को आने जाने के लिए अगर हम किराए में बस में कमी करें तो कैसा रहेगा। और उस दृष्टि से जब हमने इस बात पर विचार किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जो है सरकार को अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। हमारे कुछ साथी कहने लगे कि बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि बोझ का विषय, इसको बोझ शब्द कहना ठीक नहीं, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमको काम करना है। और हमने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब महिला आबादी का 50% है और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी सूरत में उनका आने जाने का खर्चा कम कैसे हो। अभी बिलासपुर की एक बहन के साथ हमारी इंटरेक्शन करते करते बात हो रही थी, हमने कहा कितनी महिलाएं आपके परिवार में रहती है, बोलते हम 5-6 महिलाएं हैं। मैंने कहा आप लोगों का सबका जाना आना होता है, बाहर भीतर जाना होता है कामकाज के सिलसिले में, बोलते हमको लगभग जाना ही होता है, आना जाना ही रहता है। मैंने पूछा कि एक महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है इस प्रकार का सबका परिवार का मिलाकर के, कहा कि कम से कम 3,000-4,000 के करीब खर्चा होता है। अब आप कल्पना करिए, जहां 3,000-4,000 रुपए खर्चा एक महीने के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए कामकाज के लिए सिर्फ किराए के रूप में हो रहा है बसों में, उस परिवार का अगर उसका किराया अगर 4,000 से 2,000 आ जाता है तो कितनी बड़ी राहत उस परिवार को हो जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला यात्रियों को रियायती टिकट और पुष्प प्रदान किए और धर्मशाला बस अड्डे से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की महिला बस चालक सीमा ठाकुर को सम्मानित भी किया। उन्होंने अनुकंपा आधार के 2 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी, सिरमौर, ऊना, चंबा, हमीरपुर, शिमला, लाहौल स्पीति, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर
और कुल्लू जिला की महिला यात्रियों से संवाद भी किया। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रंजना बिलासपुर से बोल रही हूँ। जी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रंजना जी, आपके आपके परिवार में कितनी महिलाएं कितनी हैं? आपके परिवार में 5-6 महिलाएं हैं जी। 5-6 महिलाएं हैं, तो 5-6 महिलाएं वो सभी तो परिवार की महिलाएं सब कामकाज में जाती रहती होंगी, बाहर भीतर उनका जाना होता होगा। हाँ जी, अक्सर जाना लगा ही रहता है जी। तो आपने थोड़ा इस बात को लेकर के कैलकुलेट किया कि 5-6 महिलाएं जो एक महीने भर में कामकाज के लिए जाती हैं, तो कितना खर्चा हो जाता है, कितना किराया हो जाता होगा आने जाने का? 3-4 हजार रुपए तो लग ही जाता है सर। 3-4 हजार रुपए सबका मिला करके लग जाता है जी। अगर 4 हजार लगता तो अब कितना लगेगा? अब तो 2 हजार लगेगा जी सर। तो बहुत बड़ी एक राहत है सारे परिवार के लिए जी। चलो बहुत बधाई आपको। जी जी हाँ बोल देते आप कुछ। धन्यवाद, मैं समस्त बिलासपुर की महिलाओं की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का पूरे प्रदेश की महिलाओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा। सरकारी बस में रोजाना हमारा आना जाना है, पहले तो हमारा किराया लगता था पूरा ही, अब हमारा आधा किराया लगता है। तो हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ये हमारी योजना चलाई तो हमें ये आधा किराया माफ किया हमारा। तो हम बहुत महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं उनका, कि उन्होंने हमारे लिए सब सोचा। और साथ में उन्होंने हमारी गृहिणी योजना, उज्ज्वल योजना, ये सारी योजनाएं चलाई। जैसे नरेगा में भी हमें 50% दिया है, और साथ में पेंशन योजना है हमारी, ये सारी ये सब हमारी महिलाओं के लिए बहुत बहुत उन्होंने किया हमारे लिए। और हिमाचल सरकार का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम जी को सादर धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। महिलाओं का किराया 50% कर दिया है, इससे जो है महिलाओं का भी बहुत फायदा है। 50% महिलाएं अपनी सेविंग में रख सकती हैं। मैं नारी को नमन प्रोग्राम के तहत से आज हिमाचल पथ परिवहन निगम में महिलाओं के 50% किराए की छूट के लिए मैं उमिशा, जो कि रोज़ अपने घर से चंबा के लिए आती थी तो मेरा 50 रुपये किराया लगता था, आज माननीय मुख्यमंत्री के तहत हमारा किराया जो है वो 50% माफ़ हुआ है, और आज हमारा किराया जो है वो 26 रुपये लगेगा। तो मैं अपने तह दिल से नारी अपनी सभी बहनों की तरफ से मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बंगाणा सनाल टीरा से आती हूँ और डेली अप डाउन सरकारी बस में करती हूँ, जिसमें हमारा किराया 22 रुपीज़ लगता है। आज से महिलाओं और लड़कियों का किराया आधा कर दिया सरकार ने। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने हमारी महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं हमें प्रदान की हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।